हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है लक्ष्य। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या कैमरा लेंस प्रोटेक्शन जरूरी है या फिर नहीं है। आज की वीडियो में सारे आंसर्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बहुत सारे लोग जब नया फोन परचेस करते हैं कंफ्यूज होते हैं, फोन खराब तो नहीं होगा, लेंस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, कैमरा क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं होगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो मैं आप लोगों को आज आंसर देने वाला हूं। आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो अगर आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए। एंड एक और चीज, इस वीडियो को आज आप लोग लाइक भी करके जाना। हम लोग जब भी एक नया फोन परचेस करते हैं या नया फोन आप लोग परचेस करने वाले हो तो दो तीन चीजें दिमाग में जरूर रहती है। सबसे पहले आप लोग जो है स्क्रीन गार्ड लगाते हो, उसके बाद एक कवर लेते हो। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जो अगर हम लोग स्किन्स की बात ना करें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो सॉलिड कलर की स्किन्स केप्स की तरफ से आती है। प्रीमियम स्किन्स आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने के लिए मिलती है। ब्यूटीफुल डिजाइन, सॉलिड कलर एंड बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि आप लोग जो है कस्टमाइज भी कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। आप लोगों को डिजाइन, प्रिंटेड, कस्टमाइज कुछ भी आप लोग जो है करवा सकते हो। एंड यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सारा कुछ जो है ये 3M मटेरियल से बना हुआ है, तो आप लोगों को कोई भी रिमूव करने में या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ज्यादा इजीली जो है आप लोग लगा सकते हो। मैंने बहुत इजीली इतने परफेक्ट फिट के साथ जो है तीनों अपने फोन्स पे लगा लिया, तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेजेस के साथ आती है। एक और चीज, डस्ट और वेदर प्रूफ है, आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्क्रैचेस वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स आपकी स्किन पे नहीं लगेंगे। आप लोगों को जो है हीट डिस्पर्जन या फिर वायरलेस चार्जिंग में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिव वगैरह कुछ भी यूज करना आप इजीली यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुआ है वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पे जो है बबल फ्री एप्लीकेशन है, आपको कोई बबल या ऐसे कोई रेजिड्यू नहीं रहेगा जब आप स्किन को अप्लाई करोगे, तो आप लोग इसको जो है परचेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है केसेस कवर यूज करना पसंद नहीं करते, फ्रीली फोन को रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फोन को सुंदर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली स्किन्स मॉडर्न टाइम में जो एक ऑप्शन है जो आपके फोन को बेटर बनाती है, सुंदर बनाती है। एंड डेफिनेटली ग्रिप आपके फोन का जो होल्ड रहता है वो सेम रहता है, तो आप लोग परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जो है लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड डिस्काउंट की बात ना हो पॉसिबल ही नहीं है। एप्पल इंडिया जो है डिस्काउंट कोड और आप लोगों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप शॉपिंग करोगे, तो आप लोग जो है स्किन्स को चेकआउट कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या ये लेंस प्रोटेक्टर आपके फोन के लिए जरूरी है या फिर नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे ये भी जो है ऐसा मानना है, ऐसा ब्रांड जो बनाती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका बोलना है यहाँ पे कि ये भी जो है सेफायर ग्लास से बना हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे जो है ग्लास की कोटिंग देखने के लिए मिलती है, डस्ट रेजिस्टेंट आप लोगों को यहाँ पे जो है कोटिंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें, और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे नए नए फोन जितने भी आ रहे हैं 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, आप लोगों को कैमरा बम का जो साइज है वो इंक्रीज ही होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है ग्लास और ज्यादा मोटा होता जाता है। तो यहाँ पे जो है एडवांटेज ये लेके आता है डेफिनेटली कि आप लोगों के फोन को प्रोटेक्ट करता है स्क्रैचेस वगैरह से। और यहाँ पे जो है एक डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा, डिसएडवांटेज ये रहता है कि आपकी कैमरा क्वालिटी जो है डिग्रेड होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर चीज के होते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या आपके आईफोन को सच में एक लेंस प्रोटेक्टर की जरूरत है या फिर नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि एप्पल के जो लेंसेज होते हैं वो भी सेफायर ग्लास से ही बने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम होते हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं, आप लोगों को ऐसे कोई डैमेज देखने के लिए नहीं मिलेगा कि आपका फोन अगर ऊपर से नीचे गिर गया तो आपका लेंस टूट जाएगा या क्रैक आ जाएगा, अनटिल एंड अनलेस बहुत हार्ड हिट ना हुआ या आपने इंटेंसली ना किया हो। तो यहाँ पे जो है एक नॉर्मल यूजेज के लिए मैं बोलूंगा कि एक टाइम के बाद कभी भी आपको जो है लेंस प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती एट यूजुअल, अगर आप एक नॉर्मल आईफोन यूजर हो। लेकिन बहुत केसेस में हम लोगों ने देखा है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स देख सकते हो कि बहुत लोगों का फोन गिरा और उनका जो यहाँ पे कैमरा बम्प है वहां पे डेंट देखने के लिए मिल गया, स्क्रैच देखने के लिए मिल गया, कलर जो है यहाँ से थोड़ा सा निकल गया, तो ये चेंजेस भी डेफिनेटली आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कैमरा लेंस प्रोटेक्टर है वो एक एडवांटेज भी लेकर आता है कि अगर आप अगर ये कोटिंग यूज करोगे जो सेफायर ग्लास की कोटिंग है, तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज ये लेकर आते हैं कि आपका फोन शायद अगर कभी भी कुछ भी गिर सकता है, आपका फोन अगर बाय चांस गिर गया इंटेंशनली ना सही, लेकिन अगर आपके फोन पे डेंट आ गया या कुछ भी स्क्रैच वगैरह आ गया तो आपका आपको जो है बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो शायद जो नया आईफोन परचेस करते हैं उनके लिए डेफिनेटली जो है काम अच्छा कर सकता है। लेकिन एक और चीज मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप लोग वीडियोस वगैरह क्लिक करते हो, फोटो ज्यादा क्लिक करते हो, तो ये कैमरा लेंस प्रोटेक्टर यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि आप लोगों को जो है 10% का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे फोटोज देख सकते हो 13 प्रो मैक्स सबसे पहले विद लेंस एंड विदाउट लेंस, मतलब विद कैमरा प्रोटेक्शन एंड विदाउट कैमरा प्रोटेक्शन। उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हो यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैक्स की और उसके बाद आईफोन 12 की, तीनों फोन के साथ मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया लेंस प्रोटेक्टर लगा के, मेरे पास यहाँ पे जो है तीनों फोन के लेंस प्रोटेक्टर पड़े हुए हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि अगर आप एक नया आईफोन परचेस करते हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है परचेस कर सकते हो, एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर पर्टिकुलरली कैमरा के ऊपर काम है आपका, बहुत ज्यादा आईफोन आपने कैमरा के लिए लिया है, तो आपको क्वालिटी में थोड़ा बहुत जो है डिग्रेड देखने के लिए मिलेगा। अब आपको चूज करना है कि इतनी क्वालिटी डिग्रेड आपको इफेक्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। बट कहीं ना कहीं अगर आपका आईफोन गिरता है, वैसे तो आप लोगों को स्क्रैचेस वगैरह या एज सच कोई इंपैक्ट देखने के लिए नहीं मिलता, बट कभी नहीं पता होता कि क्या हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनब्रेकेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को कभी ना कभी जो है एक यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर आप फोन बहुत ज्यादा गिराते हो, नया फोन लिया है, फर्स्ट टाइम आईफोन लिया,
है, तो ये कैमरा लेंस प्रोटेक्टर जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब बस आप लोगों से यही डिसाइड करना है कि क्या आपकी कैमरा क्वालिटी जो डिग्रेड हो रही है वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया होगा। आप लोग केप्स की स्किन जो है चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाई।